जिला निर्वाचन अधिकारी सात रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस निवासी खिलाओ मतभेद में 25वें राउंड में और फाइनल राउंड में प्राप्त मतों के आधार पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान जिनको 5,85,187 मत प्राप्त हुए हैं अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयप्रदा महाराज के मुकाबले जिन्हें 4,52,035 मत प्राप्त हुए हैं विजयी घोषित करता हूँ और निर्वाचित घोषित करता हूँ। जगह छोटी है ना, जगह छोटी है, जाए वहीं रहिए, हटे मत कोई, जो जो है वहीं पर रहो। हाँ बस एक मिनट खड़े रहे, मेरे हटने से काम खराब हो जाएगा। बड़ा बनाते सर। अच्छा भाई सबका बहुत शुक्रिया। अब क्या है ना, लोग गुजर जाओ दफ्तर, चलो तो दफ्तर अगर पीछे चलना हो चलो। सहयोग का शुक्रिया, यही डेमोक्रेसी की स्थिति है, शांति से सत्ता परिवर्तन हो। बड़ा फैसला देश ने लिया है, देशवासियों को इसकी मुबारकबाद देना चाहेंगे। मेरे जैसे गरीब और कमजोर परिवार के एक व्यक्ति को एक लंबे जमाने से लोग चुनते चले आ रहे हैं और मैं लोगों की सेवा करता रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि उम्मीदों पर पूरा उतरूं। सत्ता खास तौर से पहुंचाने की उम्मीद करूंगा कि जो एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां होना चाहिए उन्हें वो खुले दिल से पूरा करेंगे। जो जनमत उन्हें मिला है, जो बहुमत मिला है, उसकी वो कद्र करेंगे और उसके बोझ को महसूस करते हुए लोगों की इस कर्ज को चुकाएंगे। दायित्व तो मुझे दिया जाएगा, मैं उसे ईमानदारी से पूरा करूँगा। हमने चुनाव में किसी का नाम नहीं लिया। हमें इस बात की शिकायत है कि मीडिया बंधुओं ने और हमारे राजनीतिक विरोधियों ने जितने हम पर घटिया इल्ज़ाम लगा सकते थे उसको लगाए, जितने हमारे मरे हुए माँ बाप को गाली दे सकते थे वो दी, और आज के दिन तक हमें गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। अगर लोग ये कहते हैं कि ख़ास वर्ग का वोट मुझे मिल गया है तो ये सच नहीं है। मुझे हर धर्म हर जाति का वोट मिला है, और अगर लोग इसकी तस्दीक करना चाहते हैं तो मेरे जीत के स्टेशंस देख लें, और अगर ये सच ना हो तो मैं अपने विरोधियों को एक हफ्ते का समय देता हूँ। अगर सभी वर्गों का वोट मुझे नहीं मिला होगा तो मैं आज से 8वें दिन अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दूंगा। रामपुर की जनता बड़ी जीत मुझसे ऐसा ही प्यार करते रहें, मैं उनके लिए वो सब कुछ करता रहूंगा जो कहीं नहीं हो सका। पीएम देव जो देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी बार इतना बड़ा बहुमत लेकर आए हैं, जाहिर है ये करिश्माई फैसला है, वो इसका आदर करेंगे, लोगों से बदला नहीं लेंगे, परेशान नहीं करेंगे। जो लोगों के दिलों में एक ख़ास वर्ग के दिल में जो उदासी और मायूसी है वो नहीं होने देंगे। शैक्षिक संस्थाओं को बर्बाद नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेजों की दीवारें नहीं तोड़वाएंगे, यूनिवर्सिटी में ताला नहीं डलवाएंगे। मंथन का विषय है
और यकीनन इस पर विचार होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारी पार्टी के बुज़ुर्गों, यानी बुज़ुर्ग से मुराद उम्र के बुज़ुर्ग हमारे सीनियर लोग बैठेंगे और इस पर मंथन करेंगे। मेरी 2.5 से 3 लाख लीड होती है। मैंने तो कहा था अगर 3 लाख की लीड नहीं है तो मान लिया जाए मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपने सपने देखा है, अब उसे कहने की आपकी हिम्मत नहीं है या आपकी मजबूरी। ठीक।